बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम यूके। जनाब, आज मेरे मेहमान हैं अब्बास भट्ट साहब, जो कि कश्मीर नेशनल पार्टी के चेयरमैन हैं। कई बार तशरीफ ला चुके हैं, वो बड़े खुलकर बातचीत करते हैं। अब्बास भट्ट साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू डॉक्टर साहब। मेहमान है जनाब प्रोफेसर एजाज प्राचा साहब, जो कि जम्मू कश्मीर फ्रेंड्स ऑफ जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं। और इसके अलावा भी कई जो हैं उन्होंने सर पर हैट्स लगाए हुए हैं, कई जगह पर वो मसरूफ़ हैं, उनके पास टाइम बहुत कम होता है मेरे लिए। तो वेलकम प्रोफेसर साहब, वेलकम टू द शो। अच्छा बहुत मेहरबानी, शुक्रिया डॉक्टर साहब। जनाब, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एजाज प्राचा साहब, आपसे बात शुरू करते हैं कि आपके वजीर आजम साहब को कोरोना हो गया है, तो उनकी सेहत का क्या हाल है, हमें अपडेट करने जरा। सियासी इलाज से भी करना चाहें कर लें, लेकिन इसको सेहत के बारे में भी, क्या कोरोना हुआ, क्या सूरत है उसकी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डॉक्टर साहब, इस उनकी सेहत के तनाजर में जाने से पहले थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड देखना पड़ेगा कि उनकी सेहत पे जाना क्यों हुआ। क्योंकि कोरोना वायरस कोई ऐसी चीज है जिसका कि जब तक आप टेस्ट खुद ना देख लें या खुद आपके सामने ना हो जाए, आपको नहीं पता, आप यकीन से नहीं कह सकते किसी को कोरोना है या नहीं है, या वो सेहत के लिहाज से इतना खराब हो जाए कि वो वेंटिलेटर पे पड़ा हो और फिर आप सोच सकें कि ये इसकी सेहत कितनी खराब है कितनी नहीं, और वाकई इसको कोरोना है या नहीं। तो मैं तो इसको एक लिहाज से डिप्लोमेटिक कोरोना वायरस देख रहा हूँ। ये और डिप्लोमेटिक जैसे जियाउल हक ने एक शुरू किया था क्रिकेट डिप्लोमेसी, तो उस तरह से मैं इसको कोरोना वायरस डिप्लोमेसी की तरह से देख रहा हूँ। अच्छा, यानी पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक, यानी दूसरे उसमें यानी मसला है कि कुछ लोगों ने सवाल उठाया है कि चलो वर्षा से पूछते हैं। वर्षा, असल में इनको गालबन 20 तारीख को उन्होंने ऐलान किया कि मुझे कोरोना हो गया है। 22 तारीख को उनकी इलेक्शन कमीशन में डेट थी, उन्होंने कहा हुआ है 6 साल 7 साल से आपने जो है ना फॉरेन फंडिंग केस वो लटकाया हुआ है, तो इस वक्त आप वो बजाते खुद तशरीफ ले आए और हमें बताएं कि क्या हो रहा है। एक तो 22 तारीख की डेट थी, दूसरा 23 तारीख की डेट थी जो पाकिस्तान का होता है 23rd कौमी दिन होता है, उसमें भी सुना है कि वो तशरीफ नहीं ले जाना चाहते थे, तो इसलिए सुना है कि कोरोना हो गया। तो आपको इस बारे में क्या मालूमात है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डॉक्टर साहब, पहले तो शुक्रिया आपका। और जनाब, उन्होंने खुद ही पहले का फरमाया हुआ है जब नवाज शरीफ साहब यहाँ से गए थे इलाज कराने लंदन में, कि भाई जो भी सियासी लोग हैं जब उनको कोई मुसीबत बनती है तो वो किसी न किसी बीमारी का बहाना करते हैं। सब बीमार हो जाते और हैं। फिर दूसरी बात जो चीज सामने आ रही थी वो ये थी कि कोरोना के 4-5 दिन के बाद वो बाकायदा मीटिंग में बैठे हुए हैं, जिसका फोटो वगैरह आ गया था सडनली। मुझे नहीं समझ आ रही थी कि अगर उनको वाकई कोरोना है, वैसे मुझे तो नजर आ रहा है कि सब प्राचा साहब सुना रहे थे सियासी कोरोना है, असल में उनको अच्छा, सियासी रियल कोरोना। कोरोना नहीं है। सियासी कोरोना जो है ना वो एक बीमारी थी उनकी, लेकिन अगर फर्ज किया सियासी कोरोना भी था तो जो आम आवाम है या उनके शहदाई हैं उनको तो उन्होंने इनकरेज किया कि कोरोना होने के बावजूद आप पब्लिक प्लेसेस पर भी जाएं, लोगों से मिलें, मास्क भी ना पहने, सब कुछ करें। ये तो मेरे ख्याल में इनकरेज कर रहे थे वो लोगों को, हालांकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर सियासी कोरोना था तो फिर भी उन्होंने प्रिटेंड डेफिनेटली करना था, लोगों के सामने करना चाहिए था कि भाई ये एक मौलिक बीमारी है, इसमें आपने क्या क्या हफाजती इकदाम कर रहे हैं, PSO का कौन कौन से आपने जो चीजें उनके ख्याल रखना है ताकि आपकी तरफ से लोगों को दूसरे लोगों को बीमारी ना फैले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ये ऐसा नहीं किया, या तो वो शायद ये साबित करना चाहते वो दलेर आदमी है, क्योंकि वो अक्सर कहते हैं मैं किसी से डरता वरता नहीं हूँ, ये तो तो शायद मशहूर ये कोरोना से भी नहीं डरते वरते। और उस दिन भी मुझे हंसी आई, उस दिन जो नहीं हुआ हमारे मौलाना साहब वो कुछ तकदीर फरमा रहे थे, ये भी वहां पर तशरीफ फरमा थे, और वो बार बार कह रहे थे कि हमें ये बात नहीं कहना चाहिए, यानी मौलाना जमील साहब फरमा रहे थे कि मुझे ये बात नहीं, हमें ये बात नहीं कहना चाहिए कि हमें मैं कोरोना से डर लड़ना है, कोरोना से डरना नहीं है। वो कहते हैं हमें कोरोना से नहीं लड़ना है कि ये अजाब अलाई है, असल में कोरोना जो भी है तो अल्लाह तरफ से जो अजाब आता है उससे लड़ा नहीं जाता, उससे माफी मांगी जाती है। जी। और ये बेचारे बैठे थे उसका चेहरा देख रहे थे, उनका कम से कम कोई कमेंट्स नहीं किए कि बार बार भाई स्लोगन पैदा ही नहीं का किया हुआ है कि कोरोना से लड़ना है डरना नहीं है। अब अल्लाह की तरफ से जो अजाब आ जाए वो अल्लाह के साथ तो नहीं लड़ा जाता ना, ना कोई इंसान जी शऊर इंसान लड़ सकता है अल्लाह की तरफ से, सिवाय अल्लाह ताला से माफी मांगी जाती है कि मौला
कोई गुनाह हुआ कोई, जिसके नतीजे में पूरी कौम को अजाब आया, पूरी दुनिया में अजाब आया, ये कोरोना जैसी मुल्क बीमारी, इससे हमें निजात दिला ना कि सोटी पोकर के हमने लड़ना है उसके साथ। ये कोई नवाज शरीफ तो नहीं है, वो कोरोना है। नवाज शरीफ और जरदारी से लड़ा जा सकता है, कोरोना से नहीं लड़ा जा सकता। अच्छा जो भट्ट साहब ने कहा प्राचा साहब भी एजाब इलाही, तो कितने पाकिस्तानियों को मैंने सुना है कि इमरान खान जो अब जाते खुद एजाब इलाही है, तो ये क्या कहना चाहते हैं, इससे लड़ा ना जाए। डॉक्टर साहब, ये तो वाकई आपने अच्छा कहा, लेकिन ये है कि क्या अजाब के ऊपर अजाब नहीं आ सकता? अजाब के ऊपर भी तो अजाब आ सकता है। नहीं तो बेसिकली लड़ा ना बहरहाल जाए इमरान ना, फिर इमरान खान को अगर इन्वर्टेड कोमा अगर ये मान लिया जाए कि एजाब इलाही जैसे कुछ पाकिस्तानी कुछ कहते हैं, तो क्या आप ये कहते हैं कि उसके साथ लड़ा ना जाए, एजाब इलाही से लड़ा नहीं जाता? नहीं डॉक्टर साहब, बात यह है कि चूंकि वो जब सर्टिफाइड मौलाना साहब है, अब तो वो सर्टिफाइड हो गए ना, उनको पता नहीं कोई सितारा भी दे दिया ना, पता नहीं सितारे इम्तियाज दे दिए कि सारे बसारत दे दिया, शायद बसीरत बसारत दोनों दे दिए हों, तो अब तो वो सर्टिफाइड हो गए। जैसे क्या इमरान खान सर्ट सितारा ये फीमेल नेम है या मेल नेम है, क्या मिला मुझे समझ नहीं आया आपने क्या कहा। जी, तो अभी कोई सितारा भी उनको मिल गया ना, कोई सितारा बसारत की बसीरत भी मिल गया। जैसे इमरान को ये सितारा क्या मिल गया या कहते, सितारा मिल गई? तारा मिल गई या मिल गया ये? बस देख लें, ये तो अब आपकी अपनी सावधीत पे है, सोच पे है। आप बात को उधर ले गए हैं। ऐसे ये बताएं कि ये जो खबर थी कि चलो जी इलेक्शन कमीशन वाली बात तो समझ में आती है कि फॉरेन फंडिंग का केस बड़ा मुश्किल सा केस है, और इमरान खान कभी भी उसमें यानी आप टालते रहेंगे जब तक वो हैं, तो ये जो है यानी 23 मार्च को क्या मसला था, अभी वो क्यों नहीं हाजिर होना चाहते थे, और उसके बाद भी 25 को भी नहीं आए, तो क्या बात है? देखिए डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, मुझे आप थोड़ा सा टाइम देंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये डिप्लोमेटिक कोरोना वायरस क्या है और ये क्या कहानी है। तो अगर आप पिछले दिनों कुछ ऊपर नीचे होने वाले वाकयात को देखें, तो ये पाकिस्तान का इससे, इसके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों से, फॉरेन पॉलिसी से भी और इंटरनल पॉलिसी से भी इसका ताल्लुक बनता है। वो इस तरह से कि अगर आप देखें तो जो पिछले दिनों ऊपर नीचे वाकयात हुए, कि पहले जो है तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कहा कि हमें अपना घर का माहौल ठीक करना चाहिए, और फिर जो है तो वहां से मैसेज आया मोदी का वजीर आजम के लिए। तो आप इस इन कड़ियों को जोड़ेंगे तो आपको उस समझ आ जाएगी कि ये क्या हो रहा है। आपने जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में भी एक बार कहा था कि कोई पाकिस्तान को रोल दिए जाने की बात हो रही थी, तो उस तनाजर में अगर आप देखें तो बैकडोर डिप्लोमेसी तो वैसे भी चल रही थी, बैक चैनल के ऊपर तो बातें वैसे भी हो रही थी। और अब आपको इन दोनों वाकयात को देखें तो आपको लगेगा कि जैसे ये दोनों वाकयात उसी स्क्रिप्ट का हिस्सा हैं, जो बैन अलावामी स्क्रिप्ट है, उसी स्क्रिप्ट का हिस्सा, जो बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है उसी के पस मंजर में आर्मी चीफ का बयान आया। दूसरे लफ्जों में आर्मी चीफ का बयान जो है एक लिहाज से, एक तरह से दबाव में आया। दबाव में किस तरह से आया कि इंटरनल भी दबाव है बहुत शदीद, बिल्कुल अनरेस्ट है, और जो है तो जिसको क्या कहना चाहिए, सियासी तौर पे मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा रहा और एक अनार्की की तरफ आस्ता आस्ता जा रहा है, उसको इन्होंने बड़ी मुश्किल से तरीकों से जोड़ के रखा हुआ है। जैसे कि अगर आप देखें कि अभी जो है तो नैब की डेट जो है तो पोस्टपोन हो गई या कैंसिल हो गई, जो भी हुआ, तो ये इसको रोके हुए है, बड़ी मुश्किल से रोके हुए हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त एक तरह से फंसी हुई है, अंदरूनी तौर पे भी और बैरूनी तौर पे भी। अगर बैकडोर डिप्लोमेसी हो भी रही थी तो ये जो इनको कहा गया कि ये बयान दे, या दूसरे लफ्जों में इन्होंने जो बयान दिया, तो वो तो जाहिर बात है पहल तो इनकी तरफ से हुई, तो जाहिर बात है कि इनके ऊपर दबाव था, वरना ये दबाव तो इंडिया पे भी जा सकता था, और इमरान खान को तो पहले भी कोरोना वायरस हो सकता था कि वो इससे पहले बगैर मास्क के फिर रहा था, तो उसको अगर कोरोना वायरस पहले हो जाता और मोदी का बयान आता और फिर उसके बाद जो है तो खैर सगाली के तौर पे आर्मी चीफ का बयान जाता, तो फिर कोई सेंस बनती कि ये आजाद है। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह से दबाव में है, और उस दबाव किसके दबाव में है? मैंने आपको बताया तो कि नहीं वो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों साइड से, आपने कहा कि इंटरनली दबाव है, तो क्या बाहर का भी दबाव है कुछ? आपको बताया कि इंटरनली तो देखिए मुल्क में मौजूदा जो सियासी सूरत हाल चल रही है वो बहुत यार वो इंस्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। बैरूनी दबाव किसका है? बैरूनी जो हमने पहले भी इस पे बात की है कि पाकिस्तान को शायद कोई रोल दिया जाना है नियर फ्यूचर में,
उसके उसकी उसके ऊपर शायद कोई बातचीत भी हो चुकी है, मुकम्मल हो चुकी है और उसी पे काम जारी है। तो उसके चांसेस हैं कि बाहर से भी दबाव हो, और बाहर से भी दबाव किसी एक मुल्क या किसी एक तरफ से नहीं हो सकता, वो इंटरनेशनली बहुत सी तरफ से हो सकता है। इवन वो अमेरिका, चाइना, रशिया और इंडिया और हर तरफ से, इवन ईरान की तरफ से भी वो दबाव हो सकता है। चले ऐसा मैं भट्ट साहब तो को लाना चाहता हूँ डिबेट में। भट्ट साहब आर्मी चीफ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं, जो जाहिर है कि उनको एक्सटेंशन भी मिल गई है, वो भी ये भी आपके सुपरस्टार हैं, उन्हीं का दिया हुआ है कि 6 साल उनके लग जाएंगे। अच्छा ये बताएं कि वो कहते हैं अभी भारत के साथ दोस्ती करनी है, अपने घर को इन ऑर्डर रखना है, और माजी को कहते हैं भूल जाओ। जहाँ तक मुझे याद है, और आपकी भी याद मेरे ख्याल में, आपको अनुचित जी और आपकी याद माशाल्लाह काफ़ी ठीक है, हमने 1994-95 में करना शुरू कर दिया था कि बंदूक मसले का हल नहीं है, अगर मसला कश्मीरी जम्मू कश्मीर को हल करना है तो इसके लिए बातचीत की ज़रूरत है, और हमने ट्राईपार्टाइट की कहा था कि सैफ्रिकी मुज़ाकरात की ज़रूरत है। अच्छा जब हम लोग उसको कहते थे कि बंदूक मसले का हल नहीं है, हमें कहा जाता था कि ये लोग जो हैं एंटी पाकिस्तान है, एंटी इस्लाम है, एंटी जहाद है, गदार हैं, ट्रेटर हैं, इंडिया के एजेंट हैं। तो अब वही बात 25 साल बाद जो है पाकिस्तान के आर्मी चीफ कह रहे हैं, तो आप इस बात बारे में क्या कहेंगे, इनको समझने में 25 साल लगे या कुछ और वजुहत हैं? डॉक्टर साहब, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड मसला है। जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हैं वो तो हमने तकरीबन 28-29 साल पहले हमने कहना शुरू कर दिया था। जिस चीज ने साबित किया, आज साबित किया कि वाकई जो उस वक्त हम कह रहे थे, तो हम कहते थे तो हमें ये कहा जाता था कि शायद ये इंडियन एजेंट हो गए हैं, यानी जिस तरह अक्सर कहा जाता है भाई, और कोई अगर जवाब ना बन पाए किसी से तो उसको एजेंट ही कह दिया जाता है। बिलखसूस इंडियन एजेंट का लाना जो है ना, वो पाकिस्तान के लिहाज से, किसी अवाम के लिहाज से अगर सोचा तो बहुत बड़ी बात होती थी। आजकल तो अक्सर बस एजेंट तो कहना ही शुरू कर दिया ना। लेकिन मेरी एक ये चीज, इस चीज से मैं एग्री कर रहा हूँ कि जो बात आर्मी चीफ ने कही, और उससे मेरे हफ्ता 1.5 हफ्ता कबल इमरान खान ने भी अपनी एक स्पीच में यही बात कही थी, मुझे आज तक ये समझ नहीं आ रहा है कि भाई, मैं एक चीज से तो 100% एग्री करता हूँ कि जो बातें वो आज कर रहे हैं वो बिल्कुल 100% सही है। बंदूक किसी मसले का हल नहीं है। बंदूक चलाने के बाद भी, एटम बम गिराने के बाद भी, यू हैव टू सिट ऑन द टेबल समवेयर। बातों से ही मसले हल होते हैं। और आर्मी चीफ की ये बात मुझे पसंद आई है, जिस उन्होंने खुल के तो नहीं कहा लेकिन इनडायरेक्ट उनका यही मतलब था कि ना हिंदुस्तान तरक्की कर सकता है ना पाकिस्तान तरक्की कर सकता है जब तक इनके मामला आपस में सुलझते नहीं। जब तक ये अपने मामला को उलझाते जाएंगे, ये मसले बढ़ते जाएंगे, ये मसले किसी भी तौर पर कम नहीं होंगे। जहां तक प्रातः साहब फरमा रहे हैं ना कि भाई उनको अंदरूनी दबाव है और बैरूनी दबाव है, मुझे कम से कम अंदरूनी दबाव तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। मतलब किस जगह हम कह सकते हैं अंदरूनी दबाव है? अगर जो इस वक्त अपोजिशन, पाकिस्तान के अपोजिशन के जो मामलात हैं, वो मार्च करने के थे, वो इस्तीफे देने के थे, वो तो मेरे ख्याल में खत्म ही हो गए हैं। उसके अलावा वैसे भी पाकिस्तान की जितनी भी सियासतदान मौजूद हैं इस वक्त, आर्मी चीफ अगर उनको सलाम करें, 1 मिनट बुलाएं उन्हें, तो ये दौड़ते हुए वहां पहुंच जाएंगे तो मसले सारे अंदरूनी हल हो जाएंगे। आज तक कोई ऐसा सियासतदान मुझे बताएं सिवाय नवाज शरीफ ने, आप आके ऊपर से बैठ, तीसरी बार जब उसको बेचारे को परेशानी हुई तो उस वक्त उसने ऊपर होकर बात करनी शुरू की। किसी एक ही सियासतदान का बताएं जिसने आप पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ स्टैंड लिया हो किसी किस्म का, खो वो मार्शल लाइट दौर हो को गैर मार्शल लाइट दौर हो, दोनों सूरतों में इन्होंने कभी भी अपना कम अज कम प्रेशर नहीं शो किया। बल्कि हकीकत यह है कि आप अगर डीप डाउन एनालिसिस करें, अयूब खान से लेकर जनरल मुशर्रफ तक, जब भी मार्शल लॉ लगा उसके पीछे कहीं ना कहीं सियासतदानों का हाथ जरूर हुआ उसमें। उन्होंने ही फौज को इनकरेज किया, आर्मी चीफ को इनकरेज किया कि भाई आके टेक ओवर करो इसमें। बाद का तो डायरेक्टली उन्होंने ये कह दिया कि टेक ओवर करो। लेकिन मेरे लिए जो परेशानी की बात यह है कि आर्मी चीफ के इस बयान से जो मुझे परेशानी हुई है कि 2 हफ्ते पहले या 6 हफ्ते पहले या 2 महीने पहले बलंग दुल ओपनली ये कहा जा रहा था ये 35A और 370 के बारे में कैसी कैसी तकरीरें उन्होंने की, कश्मीरियों को कितना इनकरेज करेगा, जो अपने गर्दने फिर एक बार कटाओ, हम आपके साथ खड़े हैं। अब क्या हुआ? क्या हिंदुस्तान ने 370 को दोबारा लगा दिया? क्या 35A पर वो एग्री हो गया? क्या कश्मीर का मसला हल हो गया?
क्या हिंदुस्तान के जो कश्मीरी हैं उनको मरना खत्म हो गया, उनका वो 1 लाख जो मर गए थे, जो शहीद हो गए, उनकी जिम्मेदारी किसके हाथों में है? क्या वो पाकिस्तान आर्मी के हाथ में नहीं है? क्या पाकिस्तान की एजेंसियों के हाथ में नहीं है कि उनके लिए भी, उनके खानदानों के लिए भी, जो बच्चे यतीम हुए, जो माएं जिन माओ के बेटे खो गए, जिन औरतों के खामद फौत हो गए और बेवा हो गई, अब उनका क्या बनेगा? क्या किसी ने एक मिनट के लिए भी सोचा कि जब जी चाहे आप हिंदुस्तान इंडियन ब्लीडिंग आप जाके हमले शुरू कर दें, जब वो मामला खत्म हो आप आकर राजी हो गए, अपने घर में बैठ के आप ऐलान कर दें जब हमें दोस्ती चाहिए। भाई ये दोस्ती जो दुश्मनी पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ करे हमें खुशी होगी, हमें इसमें एतराज नहीं है, लेकिन नॉन एट कॉस्ट ऑफ कश्मीरी, ये हमें मरवा कर हमें मेन मेन भाओं को मैं हमारी मैनों बहनों और माओ को बेइज्जत करके अगर वो दोस्ती करना चाहेंगे तो हमें वो दोस्ती कभी भी कबूल नहीं होगी। उन 1 लाख शोदा का जवाब इन्होंने देना है पहले, वो कश्मीरियों को जवाब दें उसके बाद ये दोस्ती करें, हमें इसमें एतराज नहीं है। अच्छा देखिए, मैं ऐसे में ये मेरा सवाल था क्योंकि आपने उसको हम आर्मी चीफ की बात कर रहे थे। प्राची साहब मुझे बताएं, जो इस पर हम दोबारा आते हैं, प्राची साहब आपने सुना कि भट्ट साहब का तो ख्याल है कि अंदरूनी जो दबाव है वो कम है, तो इससे नज़र आता है कि बैरूनी दबाव है, ठीक है, एक तो ये बात हो गई। फिर साथ ये है कि ये जितना भट्ट साहब ने जिक्र किया है, भाई एक तरफ तो वो यानी ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, वो कह रहे थे कि जब तक हिंदुस्तान अपने फैसले को वापस नहीं लेता हम बातचीत भी नहीं करेंगे, ठीक है, जब वापस कर दिए थे जी निकालने के लिए। फिर यह कि ऐसी आप रिपोर्ट्स आ चुकी हैं जिसमें कह रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो बड़ी एजेंसीज हैं वो तो गुज़श्ता 2 साल से यानी मुज़ाकरात कर रही हैं, और उस मुज़ाकरात का नतीजा है जो अभी हो रहा है, सीज़ फ़ायर हुआ है LOC पर। तो फिर ऐसी सूरत में जबकि ये बातें हो रही हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान को भी हजम करने के बारे में बातचीत हो रही है, तो आप पाकिस्तान की पॉलिसी को कैसे देखते हैं और क्या करना चाहेंगे इस बारे में? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं भट्ट साहब से बड़े अदब के साथ इख्तलाफ करूंगा कि आज तक वाकई यही होता आया है पाकिस्तान में। मैं एग्री करता हूं कि भट्ट साहब ने वजह फरमाया, पाकिस्तान में अब तक यही होता आया है कि फौज या एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से सब कुछ होता रहा है, लेकिन अब सूरत हाल टोटली मुख्तलिफ है। अब तक जो होता आया तो वो तो दो लिहाज से उनको सूट करता था, एक तो ये कि वो कभी सिंध में किसी को के गद्दार कह दिया, या बलूचिस्तान में कह दिया, बजिंजो को कह दिया गद्दार कह दिया, भुट्टो को गद्दार कह दिया, या KP में अफगान गफार खान वली खान को गद्दार कह दिया, वो आसान था। एक तो वो छोटी पार्टियां थी, दूसरे छोटे सूबों से थी। अब जो उनको टक्कर उन्होंने ले ली है वो नवाज लीग से ली है, जो कि न सिर्फ छोटे सूबों से नहीं बल्कि बहुत बड़े सबसे बड़े सूबे से जो 65% कंट्रीब्यूट करता है टोटल पॉपुलेशन में वहां से है, बल्कि वो मुल्क की बड़ी मेजोरिटी पार्टी और तीसरी बड़ी बात वो बिल्कुल सेंटर में है। तो अब वो बहुत टफ हालात से गुजर रहे हैं, स्पेशली उस सूरत हाल में जब नवाज शरीफ बाहर बैठे हैं और उनको वो चैलेंज कर चुके हैं और डू और डाई वाले स्टेज पे पहुंच चुके हैं, अब कोई ऐसी वो नहीं रहती, तो वो टोटली प्रेशर में है कि उनके दिल के ऊपर इस वक्त जो है तो मूंग दले जा रहे हैं, उसका उनको कोई हल नहीं आता। आज जो नेप की या कल पेशी जो मंसूख हुई है उसके पीछे भी आप देखें ये उनका बहुत बड़ा जो है तो सेट बैक एक तरह से बहुत बड़ा उनको धचका था कि ये उनकी इंतहाई मतलब इसको कहना चाहिए कि वो बैक फुट पे हुए, ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि नाकामी है ना सिर्फ मौजूदा गवर्नमेंट की बल्कि एस्टेब्लिशमेंट की भी, एस्टेब्लिशमेंट की नाकामी है जी। और दूसरी जो मैं बात कर रहा हूँ आपको इंटरनेशनली, तो ये जो सूरत हाल बनी है अभी देखें जो इसका जो वायरस का जो चक्कर चल रहा है कोरोना वायरस का इमरान खान का, अगर ये इसको आर्मी चीफ के बयान आने से पहले हो जाता और वहां से इस गैर सगाली का मैसेज आता या जिसको क्या कहते हैं कि तीमारदारी का मैसेज आता मोदी का, और फिर यहां से जो है तो बतौर जज्बा खैर सगाली ये जवाब जाती। अब बात यह है कि अगर आपको अपने हाउस को इन ऑर्डर करना है तो आप करें, आपको किसने रोका हुआ? और दूसरी बात इसको दुनिया को बतलाने जितलाने की क्या जरूरत है? तो अभी तक जो है तो हाउस अगर इन ऑर्डर नहीं था तो उसकी क्या रूट कॉजेज थी, वजूहत क्या थी, और उसको आप सॉर्ट आउट करें तो उनकी कड़ियां आपको देखें कहां जाती नजर आती है। दूसरी जो बात तीसरी अहम बात भट्ट साहब ने की वो कश्मीर की, और बतौर फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर के प्रेसिडेंट के मैं ये बात कहना चाहूंगा कि ये बात कश्मीरियों को वाकई जो नेशनलिस्ट हैं या इवन नॉन नेशनलिस्ट हैं उनको ये बात करनी चाहिए, और बहुत से कश्मीरी ये बात करते हुए झिझकते हैं या
थोड़ा वो महसूस करते हैं कि जी हमें पाकिस्तान के मामला में बात करनी चाहिए या नहीं, क्यों नहीं करनी चाहिए? आप अगर पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर में हैं तो पाकिस्तान आपका इंतजाम चला रहा है। कैसे चला रहा है? वो आपके टैक्स पेयर के पैसे से चला रहा है। आपके उतने ही राइट्स हैं जैसे कि पाकिस्तानी शहरियों के हैं अपने हक के लिए आवाज उठाने में, और आप बोल सकते हैं अपनी बात की, क्योंकि आप टैक्स पेयर हैं, उसी की टैक्स आप वो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये तो नहीं करती कि पाकिस्तानी टैक्स पेयर के पैसे से आपका इंतजाम चलाए। जाहिर बात है वो आपका, आपसे टैक्स ले रही है और आपके ऊपर हुकूमत कर रही है। तीसरी जो बात है वो भट्ट साहब ने जो बात की आखिरी बात कि कश्मीरियों का खून बहा के कश्मीरियों के सरों पर सौदेबाजी करना, ये वाकई अगर वो अटूट अंक कहते हैं तो वो अपनी तरफ से बेशक चीन को भी अपना अटूट अंक कह दें और इंडिया को भी अटूट अंक कह दें, सॉरी शारा कह दें, चीन को भी शारा कह दें और इंडिया को भी कह दें और रूस को भी कह दें, उससे तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अंक से भी तो पूछना चाहिए कि क्या आप मेरे शारा से भी पूछना चाहिए कि आप मेरी शारा हो भी कि नहीं। अगर हैं तो पहला राइट तो कश्मीरियों का बनता है कि उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, उनको ऑन बोर्ड लिया जाए कि कौन से कश्मीरी को, क्या किसी नेशनलिस्ट कश्मीरी को लिया गया ऑन बोर्ड, क्या किसी नॉन नेशनलिस्ट को लिया गया, क्या मौजूदा जो हुकूमत है क्या उसको ऑन बोर्ड लिया गया, उनसे बातचीत की गई इस माम ये जो पॉलिसी में ये जो टर्न पे टर्न आ रहे हैं तो इसमें क्या ऑन बोर्ड लिया गया? क्योंकि मेन पॉलिसी जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है मेन, उसमें तो कश्मीर का ही रोल है। कश्मीर को निकाल दे तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में बचते ही क्या है? तो उस पे जब उनको ऑन बोर्ड ना लिया जाए, उनके साथ ज्यादती है और उनकी जो 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 लाखों लोगों की जानों की कुर्बानी हुई और जो लाखों लोग जो है तो जिनकी इज्जत आबरू नीलाम हुई, जिनकी प्रॉपर्टीज तबाह हुई, तो वो किस खाते में जाएंगी? उसका 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 जिम्मेदार कौन होगा? उसका अजाला कौन करेगा? पहले तो ये सवाल उठाना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और कश्मीरियों को बात करनी चाहिए और खुल के बात, उनका उतना ही हक है पाकिस्तान से पूछने में जितना एक दूसरे पाकिस्तानी का है। अच्छा भट्ट साहब, देखिए ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, डाउन लीक्स चली थी नवाज शरीफ के दौर में और बड़े मिसाइल का सामना करना पड़ा नवाज शरीफ को, और उसकी यानी अगर इन आर्मी वालों की बात मान जाता नवाज शरीफ, तो जैसे कि ब्रिगेडियर एजाज ने कहा था जो कि उस वक्त था इमरान खान के दौर में वजीर दाखिला था, उसने कहा कि अगर हमारी बात मान जाता तो ये चौथी बार वजीर आजम होता। तो मतलब यह है कि करप्शन वगैरह का मसला नहीं था, उन्होंने इसकी बात नवाज शरीफ ने बात नहीं मानी थी। अगर अब क्या मतलब जब नवाज शरीफ कहे कि हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करें और तजारत करें और हालात ठीक हो जाएंगे तो फिर उसके बाद मसाइल हल कर लेंगे तो वो गदार, अगर आर्मी चीफ ये बात कहे और उनका लाडला कहे तो फिर ये गदार नहीं है। और फिर ये अगर कर भी रहे जैसे कि प्राचा साहब कह रहे हैं तो इसमें जम्मू कश्मीर के लोगों का क्या रोल है? और फिर खासतौर पर जो आज़ाद कश्मीर जिसको हम कहते हैं या गिलगित बल्तिस्तान है, तो हम किस खाते में जाएंगे, क्या हो रहा है इस बारे में कोई आप रोशनी डाल सकते हैं? डॉक्टर साहब, इसमें बिल्कुल इब्तदाई इख्तसार के साथ चलने में कहूँगा कि हमारा रोल उतना ही बनता है जिस तरह सैयद अली गिलानी का बन रहा है। अली गिलानी हम तो कहते हैं कि हमें अपना वतन चाहिए, वो तो कहता था मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा वतन पाकिस्तान है, तो उसका जो अशर किया है उन्होंने वो तो आपने देख लिया। अब वो भी पछताता हो गया सारी जिंदगी जो इतना खजल कर आखिरी उम्र में आकर जहरीलो ख्वार हुआ हूँ मैं, तो शायद अल्लाह मियाँ से वो तोबा टाइप कर ले। डॉक्टर साहब, जो इम्पोर्टेंट चीज है मैं आपसे भी यकीन पूछना चाहता हूँ कि ये हाउस इन ऑर्डर जो आर्मी चीफ ने कहा, इससे क्या मुराद है? इसमें बेसिकली तो मैं इसको जो मैं कुछ टीवी प्रोग्राम भी एक दो देखे उनमें भी उस तरफ रुख नहीं किया जा रहा है। मैं तो समझता हूँ कि हाउस ऑर्डर कहने से मुराद है इकोनॉमिकली, यानी इकोनॉमिकली मुल्क इस वक्त तबाही के दाने पर जा रहा है, तो आर्मी चीफ का कहने का ये मकसद है कि भाई अपना कमाओ और अपना खाओ, कम से कम भीख मांग मांग कर इस मुल्क को कितना अरसा चलाएंगे हम लोग, हाउस इन ऑर्डर, इसको मैं इसको समझ रहा हूँ। आपका क्या ख्याल है इसमें? इसमें मैं पता इसको थोड़ा डिफरेंट देख रहा हूँ और बहुत से नगार यही लाइन दे रहे हैं, वो कहते नहीं है लेकिन प्राइवेटली यही कहते हैं। बेसिकली पाकिस्तान की पॉलिसी ये थी कि जो पाकिस्तान की जो चीजें एक्सपोर्ट करता था ना, उनमें जो सबसे बड़ा कमोडिटी थी वो टेररिज्म थी। ठीक है, वो एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म, एक्सपोर्ट ऑफ एक्सट्रीमिज्म, तो वो ये इनकी पॉलिसी का हिस्सा था। तो वो बेसिकली कहते हैं कि आपने हाउस को ऑर्डर रखना है, इन ऑर्डर रखना, उसकी वजह ये थी या बात ये थी कि ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स बने हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पर, चंदा जमा कर रहे हैं और हुकूमत के मामलों में दखल दे रहे हैं, और जब भी कोई हालात ठीक होते हैं ये खराब कर देते हैं। तो बेसिकली वो कह रहा था कि हमने इनको भी कंट्रोल करना है। और फिर जो है ना इसको FATF से देखें वो उन्होंने उसकी तलवार क्यों लटक रही है, यानी जो देखिए क्या कहते हैं भाई मनी लॉन्ड्रिंग होती थी और मैं क्या क्या गिनूँ,
चीजें होती थी, तो उनका मतलब ये था कि जब हम इन चीजों को कंट्रोल करेंगे तो हमारे जो इमेज है इंटरनेशनली वो ठीक हो जाएगा। अच्छा साहब आप क्या समझते हैं? डॉक्टर साहब, जो आपने बात की फाइनेंशियल की और टेररिज्म की, तो टेररिज्म से तो पिछली बार भी हमने ये बात की थी कि टेररिज्म तो ऐसी बला है, ऐसी ऐसी एडिक्शन है कि एक बार हो जाए तो उससे जान आसानी से नहीं छूटती, उससे जान आसानी से नहीं छूटती। और स्पेशली जो मुल्क, देखें, अगर आपको अपना हाउस को इन ऑर्डर करना है तो पहले तो आप अपने घर से शुरू करें ना। वो जैसे लोग कहते हैं कि कोई तबलीग शुरू करता है तो अपने घर से पहले शुरू करें ना। तो हाउस इन ऑर्डर का मतलब ये है, आप हुकूमत का रवैया देखें, आप जो वजीर आजम है और उसकी जो काबीना में जो पता नहीं कहाँ कहाँ से, अमेरिका से और कहाँ कहाँ से उन्होंने बरामद करके तो जो है तो लोगों पे मुसल्लत कर दिए। पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी खुद आती थी ना, अब तो पता नहीं कहाँ कहाँ से उन्होंने उनको बरामद किया, दरामद बरामद होती रहती है ना, तो उन्होंने बार बार कौन कौन से ममालिक से बरामद किया। जी, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी वाले फिजिकली खुद आया करते थे, इन पर से जाते थे ना, बिल्कुल। अब वो यानी कि ब्राउन साहब जो है एशियाई हाँ, लोगों को वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान तो इंपोर्ट अब आप कर। देख हाँ तो अब आप देखें ना कि कहाँ कहाँ से इन्होंने उनको इंपोर्ट किया, बरामद किया। दरामद बरामद होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो वो इन्होंने कहाँ कहाँ से किया। अच्छा, फिर वो जो बरामद कुनंदगान है बाहर ममालिक से, उनका लहजा, जुबान, रवैया, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका एक्सेंट और सब कुछ आप देखें तो वो आपको एक्सट्रीम बिहेवियर उसमें नजर आता है। तो फिर आप टेररिज्म को कैसे रोक सकते हैं? मैंने पिछली बार भी ये कहा था कि देखें, सबसे पहले होती है इलिटरेसी। जब इलम नहीं होता, नाखानगी होती है, तो उससे आती है इग्नोरेंस, जहालत आती है। और जाहिल आदमी जो है तो अपने ख्यालात, अपनी सोच दूसरे पे मुसल्लत करता है, और जब मुसल्लत करता है तो वो इंटॉलरेंट हो जाता है, वो दूसरों की बात सुनता नहीं, बर्दाश्त ही नहीं करता। उसके बाद वो एक्सट्रीम पे चला जाता है, अगर कोई बात उसकी ना माने तो उसको जबरदस्ती मुसल्लत करता है, और फिर उस एक्सट्रीम के बाद वो टेरर पे चला जाता है। जब बिल्कुल नहीं माने तो फिर वो खुदकुश जैकेट पहन के तो उड़ाना शुरू कर देता है। तो ये होता है इलिटरेसी, इग्नोरेंस, इंटॉलरेंस और उसके बाद एक्सट्रीमिज्म और फिर टेररिज्म। तो आप देखें पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत की तकरीबन तकरीबन पूरी की पूरी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट की बात करो, वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट जो है तो इंटॉलरेंट उनका बिहेवियर है, उनका उन पे टॉलरेंस का लेवल बिल्कुल माइनस में है, वो बर्दाश्त ही उनकी नहीं है। और वो बड़ी बदमजगी से, बदतमीजी से, बद अखलाकी से बातचीत। तो अगर आप टेररिज्म को रोकने में और हाउस को इन ऑर्डर करने में सीरियस हैं तो सबसे पहले तो आप अपनी हुकूमत पे नजर रखें, उनको आप बताएं कि आप किस लाइन ऑफ एक्शन पे जा, किस जगह तरफ टाइम जा रहे हैं। की किल्लत है, मैं बर्षा को लाना चाहता हूँ। बर्षा जो मौजूदा हुकूमत है, देखिए हमने बात की है एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म या उसको भी छोड़ दें या एक्सट्रीमिज्म। इस वक्त देखिए पाकिस्तान के अंदर भी ये सूरत हाल है, भाई इनटॉलरेंस बढ़ रही है, एक्सट्रीमिज्म बढ़ रही है, बर्दाश्त नहीं है, कोई किसी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, हर दूसरा आदमी तीसरे पर इल्जाम लगा रहा है। ठीक है, तो जिस इंस्टेबिलिटी का हम जिक्र कर रहे थे या जिस ये अफरा तफरी का या केओस का, तो वो तो सारे जो ना हालात मौजूद हैं। इस फिजा में जब वो मसला कश्मीर को हल करने जा रहे हैं या दोस्ती बढ़ा रहे हैं, तो देखना यह है कि हमें इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती, यानी हमें इसमें हम नहीं चाहते कि इंडिया पाकिस्तान लड़े, हम चाहते हैं कि उनकी दोस्ती हो। लेकिन वो क्या भी हमें बलि ना चढ़ाया जाए, क्या ख्याल है आपका? डॉक्टर ना इस हमें क्या मिलेगा इसमें? साहब, आपने भी कहा और प्राता साहब ने भी फरमाया इंटॉलरेंस के बारे में कि बिल्कुल यार ऐसी बात भी नहीं है, आखिर हमारे बुजदार साहब भी तो हैं ना, तो अच्छा बुजदार साहब, कुछ ऐसी जाति कम अज कम ना करें। एक ही सैंपल मिसाल में है, और दूसरा रह जाता है कि जो प्राता साहब ने कहा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का मसला हुआ, जो हमारे बुजुर्ग मशीर इन्होंने बाहर से बुलाए हैं, तो प्राचार साहब इसकी असल वजह यह है कि हमारे यहाँ ये एक जहनी गुलामी बनी हुई है कि जो इंसान अच्छी अंग्रेजी बोल लेता है वो बड़ा इंटेलिजेंट होता है, समझे कि नहीं। सही है, इसलिए सही है। उन्होंने जो अंग्रेजी बोलने वाले मशीर थे ना वो सारे लाए, और दूसरी तरफ जो मशीर ज्यादातर आए वो इनके अपने क्लबों पबों के जो दोस्त थे पुराने वो आए हैं सारे, अच्छा अच्छा यानी अच्छा वो सूटी सूटी लगाने वाले दोस्त। यार आप देखें ना, अगर मैं यहाँ हूं तो मेरी जो अपनी आदतें हैं, अगर खजाना खासा मुझे कहीं प्राइम मिनिस्ट्री मिल जाए तो जाहिर है यार मैं अपने दोस्तों को लेके आऊंगा ना,
हम दोस्त तो नहीं बन, इस उम्र में दोस्त तो नहीं बदले जैसे 18-19-20 साल की उम्र तो नहीं है ना, 60 साल के बाद दोस्त नहीं बदले जा सकते कम अज कम, मैं इस चीज का प्रैक्टिकली तजर्बा रखता हूँ। लिहाजा वो छोटी छोटी वाले हैं बेचारे लोग, शूटिंग लेकिन बाकी रह जाता है जनाब को बिल्कुल डॉक्टर साहब 100% एग्री। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि हमें इनकी दोस्ती अजीज है, हम दुआ करते हैं कि दोनों में लोग दोस्त बने, तब भी उनकी जो कौम है पाकिस्तानी कौम हो या हिंदुस्तानी कौम हो, वो जी भर के पेट भर के रोटी खा सकेंगे, उनको जितने भी बुनियादी सहूलतें हैं वो उसी सूरत में मुयसर आ सकते हैं। जी आपस में दोस्ती करें, कोई दुश्मनी रखें तो कभी कभी ये पेट भर के रोटी उनको मुयसर नहीं आ सकती। लेकिन सबसे बड़ा जिसको लेकिन कहते हैं ना, लेकिन वो लेकिन ये है कि नॉट ऑन कॉस्ट ऑफ कश्मीरीज, जो हमारी काश पर नहीं, हमारी गर्दन काट के ये जन्नत भी मुझे जाए तो मैं नहीं पसंद करूंगा, ना मैं जन्नत के लिए दवा हासिल करूंगा। मेरा प्राइम इंटरेस्ट है मेरी अपनी कौम के साथ, मेरे कश्मीरियों के साथ, मेरे हम वतनों के साथ। अगर मेरे हम वतन मर रहे हैं, मेरे हम वतन शहीद हो रहे हैं, उनको कत्ल वारत किया जा रहा है, फिर जाए जहन्नम में कोई और, मुझे किसी से कोई दिलचस्पी ना, मेरा प्राइम इंटरेस्ट कश्मीरियों के साथ है। उसके बाद अगर हमारी कास्ट पर ना हो तो मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला दोनों मुल्कों के जो हैं करते धरते सरबराहान आपस में मिलकर बैठे और कश्मीर का मसला कश्मीरियों की मर्जी मंशा के मुताबिक हल करें, जो कश्मीरी चाहते हैं उनको मौका दिया जाए। यही इंटरनेशनल लॉ है, यही यूनाइटेड नेशन कहती है, यही अक्ल शऊर रखने वाले लोग कहते हैं कि जिसकी चीज का फैसला उसने करना है तभी देर पा अमन मुमकिन हो सकता है, अदरवाइज इस खत्ते में कभी अमन नहीं आ सकेगा। अच्छा प्राचार्य साहब देखें, भट्ट साहब ने भी ये कहा, मैंने भी ये कहा कि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती भाईचारा हो, तजारत वो करें और इसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आएगी, लेकिन एट द सेम टाइम डू यू एग्री इट शुड नॉट बी एट कॉस्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल डॉक्टर साहब ने बजा फरमाया, भट्ट साहब ने भी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, लेकिन डॉक्टर साहब इन सब के लिए आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखनी होती है, वो ये है कि देखें पॉलिसी चेंज या पॉलिसी शिफ्ट रात और रात तो नहीं होती, एक बात। दूसरी बात ये कि जो आप स्टेटमेंट देखते हैं, आप देखते हैं कि उसके पीछे उसकी कार्डिनल मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, उसमें सदाकत कितनी है, और वो उसको आप उसके ऊपर परखते हैं। जो ममालिक जो पॉलिसी आज तक थी पिछले 70 साल से कि हिंदुस्तान हमारा अजली दुश्मन है, अजली दुश्मन का मतलब यह है पैदाइशी दुश्मन है, तो जब पैदाइशी दुश्मन हो गया तो उसके साथ दोस्ती कैसे हो सकती है, इसको देखने की बहुत जरूरत है, मुख्तलिफ जावियों से इसको देखा जाना चाहिए। ये तो यूटर्न नहीं है, अगर असली दुश्मन था ये इसको मुद का ये यूटर्न तो मशहूर है ना, तो क्या ये यूटर्न तो डॉक्टर साहब अपनी जगह पे, लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि आपको ये देखना होगा कि मतलब ये कि इसका 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 इसमें सदाकत कितनी है, एक बात, और दूसरी बात ये है कि जब आप किसी को अजली दुश्मन पिछले 70 साल तक 7 दहाइयों तक आप किसी को अपना अजली दुश्मन ओपनली कहते आए हो, पैदाइशी दुश्मन मतलब तख्लीक है पाकिस्तान से लेके आज तक, तो उनके साथ फिर अब इस एक स्टेटमेंट से तो पॉलिसी चेंज नहीं होगी, इसके लिए तो बहुत से स्टेप्स और बहुत सी मेजर्स लेने पड़ेगी, तो तब जाके ये सब सूरत हाल बदलेगी और ग्रेजुअली। और वो जो इन ऑर्डर करने की बात है, मैंने पहले जैसे कही अभी भी कह रहा हूँ कि हुकूमत से शुरू होगी, जब हुकूमत कोई ऐसा 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 ऐसी पॉलिसी अपनाएगी, ऐसे स्टेप्स लेगी हुकूमत में, तो मैंने आपको बताया कि अभी तक जो जो पॉलिसी खुद इंटरनली चल रही है, अंदरून मुल्क जो पॉलिसी चल रही है वो टोटली बेरारवी इंतशार की तरफ जा रही है। आप देखें एक्सट्रीमिज्म तो मुल्क के अंदर इंटॉलरेंस कितना बढ़ गया, घर घर महल महल में, तो पहले तो हुकूमत को अपनी एक पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट का एक वजह करनी चाहिए कि जिससे एक दूसरे के अंदर एक दूसरे को बर्दाश्त करने का जज्बा पैदा हो, और मतलब ये कि अमन अमान ऐसे कायम हो, हाउस ऑर्डर करने का मतलब तो ये है, वरना इसका मकसद सिर्फ सेल्फ डिसेप्शन के अलावा या दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के अलावा और कुछ नहीं। व्हाट्सएप टू द एंड मुझे ये बताएं कि हम तो ये कहते हैं कि नॉट एट आवर कॉस्ट, जम्मू कश्मीर की कॉस्ट पर नहीं होनी चाहिए दोस्ती, तो अगर वो देखिए एक तरफ हिंदुस्तान है उसका कंट्रोल है, दूसरी तरफ पाकिस्तान का कंट्रोल है, कुछ इलाका चाइना के पास है, तो मैंने हम चाहते क्या हैं और हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, हम क्या करेंगे अगर दोस्ती कर लेते हैं तो हम क्या करेंगे? डॉक्टर साहब इसमें अगर एक सेकंड मुझे फालतू दे दें आप, तो मैं वो पैदाशी दुश्मनी वाली जो बात प्राचा साहब ने की है जनाब, ये पैदाशी दुश्मनी कोई भी नहीं है।
अक्सर लोग ये कहते हैं कि तकसीम हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो मुबलक था वो जवाहरलाल नेहरू था। अगर जवाहरलाल नेहरू ना चाहता तो पाकिस्तान ही ना बनता, ये हिंदुस्तान तकसीम ही ना होता। और दूसरी तरफ अगर 2 अक्टूबर 1947 का वाकया ना होता, कश्मीर इशू ना बनता, तो शायद इनके दरमियान दुश्मनी ही ना होती। और कौन सी दुश्मनी थी दोनों के दरमियान? कोई दुश्मनी नहीं थी। तो बाकी रह जाता है जनाब के जो जो आपने सवाल किया उसका। यस जी जी बात को तकरीर देते हुए देखिए, 22 अक्टूबर को हमला होता है, सूरत हाल बदल जाती है, नफ्त में इजाफा हो जाता है, फिर उसके बाद भी जो नफरत, पहली नफरत तो वहां से ही शुरू हुई ना जी, स्टार्ट वहां से। वो से पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान 14 अगस्त 1947 से लेकर 22 अक्टूबर 1947 तक किसी जंग का वाकया नहीं हुआ। इंडिविजुअल वाकयात होते थे कि ये मर गया मर गया, वो इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन जब हुई उधर से इधर इंसानों की इधर से उधर, तो वो मामला तो हुए, लेकिन वो दो कौमों के दरमियान या दो मुल्कों के दरमियान मामला नहीं था उस वक्त आपका। बाद जो ना जिसको कहते हैं ऑपरेशन जिब्राल्टर, उसके उस बाद जो है ना ये बिगाड़ पैदा हुआ ज्यादा, ठीक है। या यानी भी आप बात कर रहे थे जो मैंने रोक दिया आपको रास्ते में। मैं आप वो बात ही भूल गया, वो आपको बताया ना कि हमारे खानदान की दो चीजें मशहूर हैं। हम चाहते क्या है, मसला यह है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान कोई फैसला इम्पोज कर देते हैं जम्मू कश्मीर पर, तो हम क्या कर सकते हैं? सर ऑप्शन सबसे बड़ी बात है, हम बहुत कुछ सर्च कर सकते हैं। आज तक कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना, होता रहा है, होता रहेगा। ये ना इतना खून बह जाने के बाद डॉक्टर साहब, अगर पूरी तारीख आप तारीख पर मुताला करें ना, 1000 साल तारीख तक पे आप चले जाएं, इतना खून बह जाने के बाद बगैर किसी लेन देन के अमन नहीं होता। जिस मकसद के लिए वो खून बहाया गया, जब तक उसको मकसद अचीव नहीं होगा, इसमें अमन कभी नहीं आ सकता। और मेरे ख्याल में अगर दोनों तरफ कोई इंटेलिजेंट प्राइम मिनिस्टर या सरबराना हुकूमतें आ जाए, अगर सोच समझ रखने वाले आ जाए, उन्हें अपने मुल्कों का, अपने रियाया का, अपने कौम का कुछ दर्द हो, तो डेफिनेटली वो ये काम जरूर करेंगे। यार हिंदुस्तान में बैठा हुआ, दिल्ली में बैठा हुआ, जी भर के पेट भर के रोटी खाए, इलाज माजे के अस्पताल हो, इसी तरह इस्लामाबाद और रावलपिंडी और लाहौर में बैठा है मुसलमान भी जो है ना, वो पेट भर के रोटी खाए, अब इलाज माजे का इलाज करते। और ये उसी सूरत में मुमकिन है जब इन दोनों के दरमियान दोस्ती हो, और दोस्ती उसी सूरत में मुमकिन है जब कश्मीर का मसला कश्मीरियों की मर्जी मंशा के मुताबिक हल हो। आपने कहा कि अगर दोनों तरफ इंटेलिजेंट प्राइम मिनिस्टर आ जाएं, तो आप क्या समझते हैं कि ऑक्सफोर्ड का पढ़ा लिखा और मोदी साहब इंटेलिजेंट लोग नहीं है? सर मैं और ज्यादा तो नहीं कहूंगा, हाँ अलबत्ता इनके यू टर्न के बाद किसी ने कहा था, मैं इनमें से किसी ने कहा था कि वो ये एक बहुत बड़ा लीडर होता है जो यू टर्न लेता है। अच्छा, ये जो है ना एक फ्रेज है दुनिया की, उसमें बहुत मशहूर हुई फ्रेज ये, कि जो अपना वादा करके मुकर जाए वो बड़ा लीडर होता है। उसको जो बेईमान एक दिन एक कर वादा कर दूसरे दिन दूसरा झूठ बोल दे वो बड़ा लीडर होता है। तो ये यू टर्न से तो मुराद मैं यही ले रहा हूँ। अच्छा चलें ठीक। बट प्राचा साहब से बात करूं क्विकली, प्राचा साहब आप क्या कहेंगे भी, अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान फैसला कर दें तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं जल्दी से? डॉक्टर साहब देखें, जैसे कि दीवारें बर्लिन कायम की गई और ज्यादा देर कायम नहीं रही, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया आज मिलने वाले हैं, पाकिस्तान भी शायद मिल जाता मशरकी मगरबी, अगर दरमियान में 1000 किलोमीटर का 1000 माइल का इंडिया ना होता बीच में। तो मुल्कों को आप इस तरह से लकीरों से, मसनूई लकीरों से नहीं तोड़ सकते कौमों को। तो दैन दड़े आपको मिलना तो है कश्मीर, और इसका वाहिद हल यही है अगर ये मुल्क और दुनिया के कई कई मुल्क गवाह हो जाए इसके ऊपर। और आपने जितनी बात कह दी है नाजरीन, आपने डिबेट सुनी है, प्राचा साहब टुवर्ड्स द एंड कहते हैं कि जो लकीर है मर्जी से लगाई जाए वो लोगों को तकसीम तो कर सकती है आर्जी तौर पर, वो परमानेंट नहीं हो सकती। यानी कि दूसरे लफ्ज में जम्मू कश्मीर को जबरदस्ती तकसीम नहीं किया जा सकता, कश्मीर की यूनिफिकेशन वहादत जो है उसने बहाल होना, उसने होना है ये, और जरूरत इस चीज की है कि हम जो है ना पायदार अमन के लिए मसला जम्मू कश्मीर का एक पायदार जो है ना तलाश करें और जम्मू कश्मीर के लोगों की उमंगों के मुताबिक करें। वो रहता है कि ये नहीं हो सकता कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बाईपास करके आप फैसला कर दें, ये ऐसा नहीं होगा, इससे अमन नहीं होगा। वो लीव इट एट दैट, हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़।